जो भी भूखा है आज भूखा नहीं सोएगा कोई, मेरे से जितना होगा उतना कर रहा हूँ। एक कंटेनर जिसमें हम बिरयानी पैक करेंगे, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ बाहर सारे खाना बांटने जैसे जा रहे थे यार। What's up everybody, this is your Ravi Gasmo, back to my another vlog. So guys, आज के vlog में हम कुछ खास करने वाले हैं। आज हम मदद करने वाले हैं कुछ असहाय लोगों की। मतलब आज मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग बिरयानी बनवाने वाले हैं वही तकरीबन 400-500 लोगों की। फिर उसको टिफिन में पैक करने के बाद हम लोग टिफिन में पैक कर लेंगे उसको और अपने हाथों से असहाय लोगों को देंगे, कुछ भूखे लोगों को देंगे और उनकी दुआएं लेंगे। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं इतना काबिल बन गया हूँ कि ये मतलब जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, छोटा है चाहे बड़ा, मतलब जितना मुझसे बनता है मैं उतना करता हूँ। जितना मुझसे हेल्प होती है किसी गरीब की, किसी असहाय लोग की, तो मैं उनकी करता हूँ। तो ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से हुआ है कि मैं आज इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू तहे दिल से। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया आप लोग को। तो अभी मैंने अभय को बुला लिया है, सामान वामान लेने हम लोग को जाना है और बिरयानी बनाने आने वाले हैं मेरे मामा जो कि हलवाई है, वो बनाते हैं। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आज की व्लॉग में बहुत अच्छा मजा आने वाला है, सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको, कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस ये चेक कर सकते हो, सारा सामान हमने लेके रख लिया है और ये कंटेनर जिसमें हम बिरयानी पैक करेंगे, ये भगवाना हवा दीजिए, कटपटा सामान पूरा, प्याज पेस्ट तेल और ये भट्टी यहाँ पर लग गई है। थोड़ी देर बाद ना भगवाना रख देंगे भट्टी चला के, फिर बिरयानी पकाएंगे अपने हाथों से, मैं नहीं मेरे मामा पकाएंगे, मैं तो देखूंगा खड़े होके बस। तो गाइस ये चावल जो कि हमने इसमें गला के रख दिए अभी थोड़ी देर तक ताकि अच्छे से पक जाए, अच्छा बन जाएगा। तो की बनी इनको भी गाइस 50% बिरयानी हमारी बन चुकी है, मतलब आधी हो रह गई पकने के लिए, देख सकते हो वो सामने इधर ये रख दिया हमने भगवाने में, इसको रख दिए थोड़ी देर 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समझो, फिर हमारी बिरयानी पूरी बनके रेडी, बिरयानी बनके पूरी रेडी हो चुकी है, ये चेक कर सकते हो सामने अभी उसको ऊपर, वाह वेरी टेस्टी लग रही है, लेकिन अभी हम इसको चख नहीं सकते, बाद में पूजा वूजा करेंगे इसको भी चढ़ाएंगे, लग तो स्मार्ट रही देखने में, मस्त बनाई मामा ने। गाइस बिरयानी पैक होकर पूरी रेडी हो चुकी है, ये चेक कर सकते हो, वो गरम गरम भगवान ये इसके अंदर रख दिए, अभी हम लोग बॉक्स पैक कर लेते हैं टिफिन, ये डब्बे हैं ये लंच बॉक्स, इसमें पैक कर लेते हैं अच्छे से और इस डिब्बे में लेके जाएंगे पैक करके। चलो तो अपना पैक करते हैं, ठीक है। गाइस बिरयानी अभी हमने क्या है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी इसमें नीचे डली थी और कुछ ऊपर, तो अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे ये देखो, ताकि पूरे में हर जगह बड़ी मतलब एक जगह ना रह जाए सोयाबीन की बड़ी, ताकि इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस अभी चेक कर सकते हो हमारी बिरयानी है रेडी, अभी इसको डिब्बे में पैक करते हैं और फिर देने चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग भर लेते हैं सारे बॉक्सेस जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ही ज्यादा। तो गाइस बॉक्स हमने सारे पैक कर दिए, छोटे वाले लंच वाले, अभी इनको बड़े वाले बॉक्स में पैक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो गए वैसे ही बहुत ज्यादा, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से बांट के आएंगे। तो गाइस एक लफड़ा हो गया साथ में, बाहर से खाना बांटने जैसे ही जा रहे थे यार, जब लोग कहीं पे वेस्ट हो जाएगा नहीं तो यहीं पे लग ले। तो गाइस दिक्कत हो गई बारिश की वजह से बहुत ज्यादा, तो हम अभी एक क्या टीन सेट के नीचे छिपकाए पूरा सामान, खाना बिरयानी वगैरह भी बच गई, भीग जाती है अगर बारिश में लोग कंटिन्यू रखते, ये चेक कर सकते हो इधर रख लिया हमने, भगवान ने भला काम करने जा रहा है तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये बंद कर दो पानी। गाइस लॉस हो जाता बहुत सारा अगर ये भीग जाता खाना, अगर तो देखते हैं बारिश कब तक रुकती है, जब तक अंधेरा ना हो जाए बहुत ज्यादा। गाइस बिरयानी के साथ साथ हमने पानी की बोतल्स भी ले ली है सामने, फिर बिरयानी बांटेंगे तो बेचारे प्यास लगी तो उन लोग को पानी भी दे देंगे। तो गाइस एक घंटा हो गया घूमते घूमते, मैं कोई जिनको खाना बांटना वो दिख ही नहीं रहे, अभी चलते पचपनिया मंदिर साइड, अभी डालना गाड़ी तो
चार पांच जगह हमने बटवा दिया है खाना, अभी एक जगह और है, तो 40 से 50 डिब्बे और बचे, हमारे बोर फिनिश कर देते हैं, पूरा खाना फिनिश करके जाएंगे। आज जो भी भूखा है, आज भूखा नहीं सोएगा कोई, मेरे से जितना होगा उतना कर रहा हूँ, ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसी करता रहूंगा, मेरे से जितना भी होगा यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे आज ये करके। अभी हमने बाकी लास्ट जगह हमारा खाना जितना भी बटा बिरयानी सारी फिनिश हो गई, मतलब बहुत अच्छा लगा, 150-200 बॉक्स और बचे थे वो भी फिनिश कर दिए गाइस, जो स्माइल हम लोग के चेहरे पे मिली खाना देखने के बाद वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे प्यार देते रहे, अभी तो छोटा कर रहे हैं, इससे और बड़ा बड़ा करेंगे, बस आप लोग प्यार देते रहे, ऐसे हम लोग काबिल बनते रहेंगे, सपोर्ट करते रहो बस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। तो आई होप गाइस ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ये नीचे लाल बटन को दबाकर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने अच्छा काम किया है या नहीं, अभी तो मैंने छोटा किया, बाकी आगे चल के और बड़ा दान किया करेंगे और मदद किया करेंगे, तो ऐसी सपोर्ट आप लोग हमेशा बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।